हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अ डे इन नूर्स लाइफ। नूर अभी 5 महीने की है, उसका अभी एक फिक्स रूटीन नहीं है, बट उसका स्लीप टाइम, अवेक टाइम, एक्टिविटी टाइम का एक पैटर्न मुझे समझ आ रहा है और मैं एक रूटीन उसके अराउंड बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम। तो जो मैं आपको टाइमिंग्स इस वीडियो में दिखाऊंगी वो ऑब्वियसली फिक्स नहीं होंगे बिकॉज शी इज अ बेबी, वो कभी भी हंग्री हो सकती है, कभी भी स्लीपी हो सकती है, बट हाँ, देर इज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑन वॉट शी इज गोइंग टू वॉन्ट नेक्स्ट। सो द टाइमिंग्स can vary by around 30 minutes or so, but this is mostly what I see with Noor on any given day these days. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर हिट कीजिएगा। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, नूर अभी उठ गई है। उठने के बाद सबसे पहले होती है बहुत सारी कडल्स, प्यार, बातें, और उसके बाद टाइम होता है उसके डाइपर चेंज का। तो गाइज, नूर रात को बहुत ही कंफर्टेबली सोती है विद दिस डाइपर ऑन। मैं पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स शुरू से ही नूर के लिए यूज कर रही हूँ और आज तक कभी नूर को कोई रैश नहीं हुआ या मुझे कभी कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ये डायपर उसने रात को 11 बजे से पहना हुआ है तो ऑलरेडी अराउंड 7 आवर्स हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि वेटनेस लाइन बिल्कुल ब्लू है, इसका मतलब डायपर बिल्कुल फुल है, बट फिर भी अगर मैं उसकी स्किन को टच करूं तो उसकी स्किन बिल्कुल ड्राई होती है, जिसका मतलब है कि डायपर ने यूरिन को बहुत अच्छे तरीके से सोक किया थैंक्स टू इट्स 12-आवर लीक लॉक टेक्नोलॉजी। इस टाइम पे फ्रेश डायपर पहनाने से पहले मैं उसको बाथरूम में ले जाके अच्छे तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट्स को वॉश कर देती हूँ प्लेन वाटर के साथ, उसके बाद उसे एयर ड्राई होने देती हूँ, फिर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और उसके बाद एक फ्रेश डायपर पहना के उसे रेडी करके पार्क ले जाती हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने उठते ही नूर को फीड क्यों नहीं कराया, सो दैट इज बिकॉज उसकी लास्ट फीड अराउंड 5 o'clock थी और वो हर 3 से 4 घंटे के बीच में फीड लेती है, तो अकॉर्डिंगली मैं उसको टाइम करती हूँ। तो नूर अपना मॉर्निंग पार्क टाइम बहुत इंजॉय करती है, वेदर भी बहुत अच्छा होता है, 30 to 45 minutes हम पार्क में स्पेंड करते हैं, उसके बाद हम वापस घर आते हैं। घर आने के बाद नूर अपनी फीड लेती है, रूम के कंडीशंस को मैं सेट करती हूँ, डार्क करती हूँ, थोड़ा ठंडा करती हूँ एंड फटाफट वो अपनी फर्स्ट नैप के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ नूर बहुत कंफर्टेबली अपनी पहली नैप लेती है। ये नैप एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 2 hours तक चलती है। डेफिनेटली वो 40 minutes के बाद उठती है बिकॉज उसकी स्लीप साइकिल ब्रेक होती है और मुझे उसको वापस स्लीप में डालना पड़ता है, बट वो बहुत कंफर्टेबली वापस सो जाती है। एक अच्छी नैप लेने के बाद नूर अब उठ चुकी है एंड नाउ इट इज टाइम फॉर चेंजिंग हर डायपर एंड गिविंग हर डायपर फ्री टाइम। तो मैं फिर से उसको वॉश कर देती हूँ और उसके बाद 15 से 20 मिनट थोड़ा बहुत खेल के वो रेडी हो जाती है अपनी मसाज के लिए। उसकी मालिश वाली आंटी इस टाइम पे आ जाती हैं और उनसे वो अच्छे से मसाज कराती है, उपटन लगाती है और उसके बाद बाथ के लिए रेडी हो जाती है, जो बच्चे इस टाइम पे बहुत इंजॉय करते हैं कंसिडरिंग इतनी गर्मी पड़ रही है। सो गाइज, मैं विंटर्स में नूर को बिल्कुल भी डायपर फ्री टाइम नहीं देती थी बिकॉज उसकी फर्स्ट विंटर थी। समर्स में मैं उसको डायपर फ्री टाइम देती हूँ बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझे पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स की सबसे खास बात ये लगती है कि इसमें 360 डिग्री कॉटनी सॉफ्टनेस है, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी ये डायपर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग आपका बेबी इतने सारे आवर्स इस डायपर में स्पेंड करने वाला है और ये डायरेक्टली बेबी की स्किन को टच कर रहा है। सो यू शुड डेफिनेटली टेक समथिंग जो बहुत सॉफ्ट हो और कंफर्टेबल हो, एंड यू नो दैट्स वाई मोस्ट मॉम्स कैरी दिस डायपर इन देयर हॉस्पिटल bags too, as they trust Pampers being the number one softest diaper as voted by moms in India. सो एक मज़ेदार बात लेने के बाद नूर बिल्कुल रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद कई बार उसको भूख लग जाती है और उसको सोना होता है, बट देर आर टाइम्स जब उसका खेलने का मन होता है तो वो पहले थोड़ा सा खेल लेती है, उसके बाद अपनी नेक्स्ट फीड लेती है और उसके बाद अपनी सेकेंड नैप लेती है। नूर की ये जो नैप है ये भी अराउंड 1.5 hours की नैप होती है। तो अपनी दूसरी नैप लेने के बाद जब नूर उठती है तो वो बहुत ही हैप्पी होती है बिकॉज ये उसका फेवरेट टाइम ऑफ द डे है, बिकॉज भैया स्कूल से वापस आ जाता है एंड ही इज डेफिनेटली हर फेवरेट फैमिली मेम्बर। तो वो सबके साथ खेलती है, मस्ती करती है और उसके बाद जब वो थक जाती है तब वो रेडी हो जाती है अपनी थर्ड नैप के लिए। थर्ड नैप से पहले मैं उसका डायपर चेंज कर देती हूँ ताकि वो बिल्कुल फ्रेश रहे और कंफर्टेबली अपनी नैप ले। मैं उसे फीड करा देती हूँ ताकि उसका पेट भरा रहे और उसके बाद वो सो जाती है। गाइज, मुझे तो पैंट स्टाइल डायपर बहुत ही पसंद है बिकॉज ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है पुल अप करने के लिए और टेयर डाउन करने के लिए भी। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अपने बेबीज़ के लिए क्या प्रेफर करते हो, टेप स्टाइल डायपर या पैंट स्टाइल डायपर।
सो नूर की थर्ड नैप भी अराउंड 1.5 घंटे की नैप होती है, उसके बाद वो उठती है, फिर से थोड़ा सा घर में खेलती है और जब उसकी फीड हो जाती है उसके बाद हम उसे रेडी करते हैं और उसके बाद पार्क में लेके जाते हैं। पार्क ले जाने से पहले हम फीड ज़रूर करा देते हैं ताकि वो पार्क में आराम से इंजॉय कर सके, नहीं तो बच्चों का अगर पेट भरा नहीं होता तो वो इंजॉय नहीं करते। अपना पार्क टाइम शाम को भी इंजॉय करने के बाद जब वो घर आती है तो वो बहुत हैप्पी होती है। घर आने के बाद वो फिर से सबके साथ थोड़ा सा खेलती है और उसके बाद होती है उसकी मालिश। ये एक क्विक 10 मिनट की मालिश होती है ताकि उसको रात को अच्छी नींद आए। मालिश होने के बाद 10-15 मिनट के लिए हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको मिलता है एक अच्छा सा बाथ और बाथ लेने के बाद वो अपनी फाइनल फीड ऑफ द डे लेती है विच विल बी एट अराउंड 8:00 इन द इवनिंग और उसके बाद नूर सो जाती है। अब जो नूर सोती है उसके बाद वो रात को सिर्फ 2 बार उठती है फीड के लिए। 1 विल बी अराउंड 11-12 इन द नाइट एंड नेक्स्ट विल बी बिटवीन 4-5 इन द मॉर्निंग। उसकी एक नैप थोड़ी लंबी नैप होती है जहां वो 4.5-5 घंटे भी विदाउट अ फीड निकाल लेती है। सो गाइज, इस तरीके से हमारा दिन और हमारा रात बहुत ही क्विकली निकल जाता है। बेसिकली इस स्टेज में उसकी अवेक विंडो जो है वो 90 मिनट्स to 120 मिनट्स मैक्स की है। ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे वो बड़ी होती जाएगी। अब वो डे और नाइट का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझती है। शी स्लीप्स बेटर एट नाइट देन इन द डे। उसका जो स्टार्टलिंग रिफ्लेक्स जो बेबीज में शुरू में होता है वो बिल्कुल बंद हो गया है, तो अब हमने उसको स्वॉडल करना बंद कर दिया है। आई नो बहुत सारे न्यू पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि बेबी की स्लीप को वो बेटर कैसे कर सकते हैं, स्पेशली रात की स्लीप या दिन की स्लीप जहाँ बच्चे 30-40 मिनट्स में उठ जाते हैं और हमें लगता है वो वापस नहीं सो रहे हैं। तो इस पर मैं अलग से वीडियो करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, बट अगर क्विकली आपको बताऊं तो राइट रूम टेम्परेचर जो ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, राइट फिटिंग एंड क्वालिटी का डायपर जैसे पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स, कंफर्टेबल क्लोदिंग जिसमें बच्चे को बहुत गर्मी या पसीना ना आए, बिल्कुल डार्क रूम एंड नो साउंड इज द की टू हेल्प बेबी स्लीप वेल। एंड इफ अ बेबी स्लीप वेल देन देयर ब्रेन ग्रोज वेल। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में और भी नूर के रूटीन वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डायपर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।